इंद्रजीत यादव आप लोगों के लिए आया हूँ वैशाली में फ्लैट, जो कि फ्लैट है, एक फ्लोर पे दो फ्लैट बने हुए हैं। 150 गज के आसपास का साइज है, 150 गज में बना हुआ ये फ्लैट है। एंट्री करते हैं हमारा ये ड्राइंग रूम में आप देख लो, दीवार पे बहुत ही प्यारा हुडन वर्क और आपको पीओपी का वर्क इस दीवार पे मिल जाता है, जो कि हमारे सामने से यहाँ से एंट्री हुई। तो दोस्तों बहुत ही शानदार फ्लैट है ये, हमारा ड्राइंग रूम है, आप एक बार ड्राइंग रूम का साइज देख लो। ऊपर इसमें फॉल सीलिंग का काम हो चुका है, पंखे लगवाना अभी बाकी, पंखे लगवा कर प्रोवाइड करा के हम देंगे। तो ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया। और यहाँ पे हमें मिलता है बिल्कुल बड़े साइज में एलईडी पैनल, जो कि आया ये एलईडी पैनल है, आप देख सकते हो बहुत ही शानदार एलईडी पैनल है। और यहाँ पे हमारा आराम से एलसी में सोफ़ा आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही शानदार फ्लैट है, इसमें हमें यहाँ पे स्पीड एसी का पॉइंट मिल जाता है। तो ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया। ड्राइंग रूम साइज की बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 20 का साइज है। ड्राइंग रूम का जो साइज है 11x20 का है, आप देख सकते हो। तो ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं डाइनिंग। तो डाइनिंग के स्पेस हमें यहाँ पे मिल जाता है, जो कि डाइनिंग टेबल हम यहाँ पे लगा लेंगे आराम से, बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे डाइनिंग स्पेस लग जाएगा यहाँ पे। और सामने आप देख रहे हो इसमें ग्लास का काम हो रखा है, काफ़ी अच्छे तरीके से ग्लास का काम हुआ हुआ है। तो ये हमारा डाइनिंग टेबल का एरिया हो गया, जो कि हम यहाँ पे डाइनिंग टेबल आराम से, बिल्कुल आराम से लगा लेंगे, बड़े साइज में डाइनिंग टेबल आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो दोस्तों ड्राइंग रूम और डाइनिंग टेबल दोनों अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट डाइनिंग टेबल के लिए सेपरेट बना रखे हैं और ड्राइंग रूम अलग है। यहाँ पर हमें मिलता है वाशरूम, जो कि ये कॉमन वाशरूम है, आप देख सकते हो वाशरूम का साइज देख लो एक बार, काफ़ी अच्छे साइज में बना हुआ वाशरूम का साइज है। तो ये हमारा वाशरूम हो गया। अब बात करते हैं तो यहाँ पे हमें सॉफ्ट मिलती है, देख सकते हो, और यहाँ पे मिलती है मॉड्यूलर पूरी एल शेप में किचन, जो कि पूरी एल शेप में किचन है, मॉड्यूलर किचन होने वाली है। दोस्तों किचन में भी हमें फॉल सीलिंग का काम मिल जाता है, यहाँ पे पंखे लगाना बाकी है, पंखे लग जाएंगे
और हमारा जो देखो स्लीफ, ये हमारा स्लीफ है बिल्कुल एल शेप में, किचन है। यहाँ पे हमारा सिंक कटेगा, अभी सिंक कटा नहीं है, वुडन वर्क का काम काफ़ी अच्छा हो रखा है इसमें। ऊपर के साइज में यहाँ पे स्टोरेज हमें मिल जाते हैं, यहाँ पे हमें चिमनी का पॉइंट मिल जाता है और यहाँ पे आरो। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे साइज में बना हुआ फ्लैट है। काम बहुत ही लाजवाब हो रखा है, काम की क्वालिटी देख लो आप, बहुत शानदार काम हो रखा है इस बिल्डिंग में, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम हो रखा है इसमें। तो ये हमारी पूरी एल शेप में किचन हो गई, और इसमें दो रूम ये हमें फ्रंट में मिलता है, एक रूम बैक साइड में मिल जाता है। तो हम आपको चलते हैं रूम दिखाते हैं। तो हमारा फर्स्ट बेडरूम हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारा फर्स्ट बेडरूम स्टार्ट है। और बेडरूम का साइज आप एक बार देख लो, काफ़ी अच्छे साइज में बेडरूम का साइज बना हुआ है, साइज में काउंट भी कर दूंगा आपको दिखा दूँ। तो ये बेडरूम हो गया। बेडरूम का साइज की बात करें तो 4 4 8 4 12 12 बाई 2 4 6 साढ़े 10 12 बाई 10.5 का साइज है, 12.5 10 का साइज है, आप देख सकते हो बिल्कुल प्यारा साइज है, बहुत ही बढ़िया साइज में है। यहाँ पे सामने हमें अलमेरा मिल जाती है, जो कि काफ़ी बड़ी अलमेरा लगी हुई है इसमें। हमारी अलवेरा मिल जाती है। इस बेडरूम में हमें यहाँ पे एलईडी पैनल मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है, बहुत ही बड़ा एलईडी पैनल है। तो दोस्तों ऊपर इसमें भी फॉल सीलिंग काम आप देख लो, बहुत ही प्यारा हो रखा है। साइज 10.5 12 का साइज है रूम का, जो साइज है आप एक बार देख लो। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम हो गया। अब बात करते हैं हम अटैच वाशरूम की, तो यहाँ से हमारा अटैच वाशरूम है, जो कि आप देख सकते हो ये पूरा अटैच वाशरूम है, काफ़ी बड़े साइज में बना हुआ अटैच वाशरूम है। इधर भी साइज है अपना, तो ये हमारा अटैच वाशरूम हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं हम पीछे के साइड में, तो पीछे के साइड में यहाँ पे हमें एक स्टोरेज टाइप का यूज करने के लिए मिल जाता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो, स्टोर टाइप का बना सकते हो, वाशिंग मशीन का पॉइंट यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पर वाशिंग मशीन का पॉइंट दे रखे हैं हम, तो ये एक स्टोर टाइप का यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं हम फ्रंट पे चलते हैं, दो बेडरूम इसमें फ्रंट पे हैं जैसा कि मैंने बताया था आपको। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम दूसरे बेडरूम की, तो यहाँ से हमारा दूसरा बेडरूम है, चलते हैं। ये भी बेडरूम आप देख लो, बेडरूम का साइज काफ़ी अच्छे साइज में बना हुआ है ये भी। ऊपर इसमें भी फॉल सीलिंग का काम आप देख लो, बहुत ही प्यारा फॉल सीलिंग का काम हो रखा है, पंखे प्रोवाइड कराना बाकी है। दीवार पे इसके वुडन वर्क का काम हो रखा है, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा पीओपी का काम हो रखा है इसमें। और दोस्तों बात करते हैं हम इस बेडरूम में अलवेरे की, तो यहाँ पे हमारे सामने बहुत ही बड़ी अलवेरा मिल जाती है, तो ये हमारा। और यहाँ पे मिलता है हमें एलईडी पैनल, जो कि इस बेडरूम से एलईडी पैनल ये मिल जाता है। और दोस्तों साइज़ की बात करते हैं तो 2 4 6 10 10 बाई 4 10 बाई 12.5 का साइज है, जो बेडरूम का साइज है 10 बाई 12.5 का साइज है, काफ़ी अच्छे साइज में बना हुआ है।
अब बात कर लेते हैं हम बालकनी की। तो दोस्तों यहाँ से हमारी इस बेडरूम में भी अटैच बालकनी मिल जाती है। ये हमारी बालकनी है, मैं दूसरे बेडरूम से भी एक बालकनी दिखाऊंगा आपको। तो चलते हैं हम दूसरे बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों यहाँ से हमारा दूसरा बेडरूम स्टार्ट है। हमारा दूसरा बेडरूम है, बेडरूम का साइज सेम साइज में बना हुआ है। ये भी बेडरूम में आप देख सकते हो साइज सेम है, जो कि मैंने आपको बता दिया है साइज दोनों। इस बेडरूम का भी सेम है। इसमें एंट्री करते हुए हमें यहाँ पे दीवार पे देखिए वुडन वर्क और पीओपी का वर्क दोनों चीज़ें मिल जाते हैं। काफ़ी शानदार तरीके से बनाया गया फ्लैट है, बहुत ही शानदार तरीके का लेआउट है इसमें। यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें मिल जाता है अलवेरा, जो कि काफ़ी बड़े साइज में अलवेरा बना हुआ है। यहाँ पे आप फॉल सीलिंग का काम एक बार देख लो, काफ़ी प्यारा फॉल सीलिंग का भी काम हो रखा है। और इस बेडरूम में भी हमें यहाँ पे एलईडी पैनल मिलता है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार फ्लैट है, हर बेडरूम में एलईडी पैनल मिल जाता है। ये हमारा एलईडी पैनल है। और यहाँ पे इस बेडरूम से भी अटैच वाशरूम मिल जाता है। तो थ्री बेड के फ्लैट है, लिफ्ट पार्किंग के साथ में फ्लैट है। तो ये हमारा वाशरूम का साइज हो गया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम बालकनी की। तो दोस्तों एक बार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, चैनल को लाइक ज़रूर करें। तो ये हमारा बालकनी है, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस बालकनी है, काफ़ी थोड़ी बालकनी है। बाहर का व्यू आप देख लो एक बार, पूरी गेटेड कम्युनिटी है, गेट के अंदर है। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ये आप देख रहे हो ये डाइनिंग टेबल का स्पेस है, यहाँ पे हम डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं एकदम, तो बिल्कुल आराम से डाइनिंग टेबल आ जाएगा आपको बड़े साइज में। यहाँ पे हमारी किचन है,